हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेनोलॉजी के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पेनोलॉजी के कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके मीनिंग को, उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन को, फिर हम बात करेंगे इसके फीचर को, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेनोलॉजी क्या होता है, स्कोप क्या है, फिर हम बात करेंगे नेचर क्या रहता है, पेनोलॉजी वर्सेस क्रिमिनोलॉजी क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पेनोलॉजी क्या है। तो कंप्लीट आप पेनोलॉजी के बारे में इस एक वीडियो में समझ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनोलॉजी के मीनिंग को। तो पेनोलॉजी बेसिकली एक क्राइम की जो पनिशमेंट है उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना ही पेनोलॉजी होता है, और इसमें जेल के बारे में और जेल के जो नियम हैं उनके बारे में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। डिराइव्ड अगर कर की बात की जाए तो ये डिराइव्ड हुआ था दो लैटिन वर्ड से, ये मिलके बना है पेनोलॉजी वर्ड। एक है पोना या पीना, या आपने कभी बार पीनल भी सुना होगा। एंड सेकंड वर्ड है लोगोज, या आप इसे ओलोजी भी कह सकते हैं। सो पोना और पीना का मतलब होता है पेन, सफरिंग, पनिशमेंट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि इस प्रकार की या ऐसी प्रकार की स्टडी या अध्ययन करना जो कि बात करता है पनिशमेंट के बारे में, पेन के बारे में और सफरिंग के बारे में। आगे हम बात करते हैं एक लाइन में समझने के लिए कि पेनोलॉजी क्या है। पेनोलॉजी कुछ नहीं बल्कि पनिशमेंट का ही अध्ययन करना, स्टडी ऑफ पनिशमेंट ही पेनोलॉजी कहलाई जाती है। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक बच्चा है और उस बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उस बच्चे को सही डायरेक्ट करने के लिए या एक सही डायरेक्शन में लाने के लिए कभी कभी अगर ज़रूरत हो तो पनिशमेंट देनी भी ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि पेनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो पेनोलॉजी की डेफिनेशन डॉक्टर पी के सेन जी ने कहा है कि पेनोलॉजी लेट डाउन करता है उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में जहाँ पे किसी गवर्नमेंट को या किसी सॉवरन अथॉरिटी को चाहिए कि वो अपनी जो पनिशमेंट की स्कीम है क्या रखे, तो वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे रहता है, वो जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे रहता है वही पेनोलॉजी है। यानी कि पेनोलॉजी के बेसिस पे ही जो है पनिशमेंट जो है फ्रेम की जाती है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है उनको डील करना, मतलब कि जो कैदी हैं या जो मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, साथ के साथ जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, जो ऑफेंडर हैं जिन्होंने अपराध किया है उन लोगों को क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो ये सब जो स्टडी है ये स्टडी हम पढ़ते हैं पेनोलॉजी के अंदर में। अगर बात करूं पेनोलॉजी की तो पेनोलॉजी वर्ड जो है सबसे पहले यूज़ हुआ था 1885 में, जो कि फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट थे अगस्ते फॉरेल। इन्होंने अपनी बुक, जो बुक का नाम है इनकी पेनोलॉजी, इन्होंने अपनी बुक में पेनोलॉजी को एक लाइन में समझा दिया कि पेनोलॉजी द साइंस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट है, यानी कि क्राइम अपराध और पनिशमेंट यानी कि सजा के पीछे के छुपे साइंस को समझना ही क्या है पेनोलॉजी है। आगे हम बात करते हैं फादर की, तो द फादर ऑफ पेनोलॉजी जो है वो है अलेक्जेंडर मकैनिकी। और आगे बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेनोलॉजी। सो पेनोलॉजी बेसिकली एक तरीके का आप साइंस समझ सकते हैं, उसको विज्ञान समझ सकते हैं उसके पीछे का छुपा हुआ, जो कि डील करता है कि पनिशमेंट के क्या मेथड रहेंगे, वो कौन कौन से प्रिंसिपल रहेंगे जिनके बेस पे जो है किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी। और दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये क्रिमिनल को पनिश करता है ऑन अ रेशनल बेसिस, मतलब कि रेशनल बेसिस के बिहाफ पे जो है एक क्रिमिनल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और पेनोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है स्टेट पॉलिसी को भी। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो पेनोलॉजी का जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पेनोलॉजी का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस करता है कि क्राइम को कैसे डिफाइन करना है, पनिशमेंट तो कर ही रहा है साथ के साथ क्राइम्स को भी डिफाइन करना है, और पेनोलॉजी का फोकस ये भी रहता है साथ के साथ कि जो प्रिजनर हैं उनके जो राइट्स हैं उनके क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर में ट्रीटमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है। अच्छा, एक और बात यह है कि पेनोलॉजी को समझने के लिए क्रिमिनोलॉजी समझना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने क्रिमिनोलॉजी या प्रिजनर या
रिहाइबिलेशन के बारे में नहीं समझाए तो इस पर कंप्लीट एक क्रिमिनोलॉजी की हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट आपको या तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप एक बारी क्रिमिनोलॉजी को भी देखना, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के बाद ही आप पेनोलॉजी को इजीली समझ सकते हैं। आगे बात हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेनोलॉजी की। तो पेनोलॉजी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि ये पनिशमेंट की बात तो कर ही रहा है, साथ के साथ ये उन क्रिमिनल्स को, ये उन अपराधियों को सुधारने के ऊपर भी ध्यान देता है। तो पेनोलॉजी इस तरीके से जो है एक अच्छी काम करता है। सेकंड ये है कि पेनोलॉजी के अंदर में जब हम स्टडी करते हैं तो ये भी हेल्प करता है कि किस तरीके से क्राइम को प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ जो क्रिमिनल्स हैं उनको बेस्ट रिहाइबिलेट कैसे किया जाए, कौन से तरीके हैं जिनसे उन्हें जो है सुधारने का मौका मिले और किस तरीके से जो है उन्हें रिहाइबिलेट किया जाए। उसके बाद बात करते हैं कि ये हेल्प भी करता है कि जो लोगों ने क्राइम कमिट किया है, एक तो लोग कमिट क्यों करते हैं क्राइम, वो चीज़ को भी समझना है, साथ के साथ ये भी समझना है कि अब जो क्राइम कमिट हो गया तो उस क्राइम को कम करने के, जो लोग क्राइम कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन क्या है, जिससे कि क्या होगा कि क्राइम जो है वो रिड्यूस होगा। और पेनोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है क्योंकि ये ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्राइम है, ये क्राइम को डिटरमाइन भी करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेनोलॉजी की। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरे नंबर पे है साइंटिफिक, तीसरे नंबर पे है एकेडमिक और फोर्थ नंबर पे है एनालिटिक पेनोलॉजी। अच्छा, अगर आपको टाइप्स ऑफ पेनोलॉजी की कंप्लीट वीडियो चाहिए, एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम जल्दी टाइप्स ऑफ पेनोलॉजी की अलग से वीडियो बना देंगे। नाउ आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ पेनोलॉजी का। तो पेनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ पनिशमेंट के साथ साथ करेक्शन की भी बात करती है कि समाज में उनको किस तरीके से जो इफ़ेक्ट हो गए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, सोसाइटी भी इफ़ेक्ट होती है, तो किस तरीके से जो है क्राइम से इफ़ेक्ट जो है उसको एग्जामिन करना, साथ के साथ जो जस्टिस का सिस्टम है सोसाइटी को लेके उस पर भी काम करती है पेनोलॉजी। तो इसका एक वाइडर स्कोप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पेनोलॉजिस्ट जो हैं वो कि प्रिजन के, जो जेल है, जो कैद है, उसके बारे में भी, जो कोर्ट सिस्टम है या जो अदर एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, तो वहाँ पे भी जो है पेनोलॉजिस्ट जो हैं उनका एक काफ़ी अच्छा जो है स्कोप देखने को मिलता है। तो पेनोलॉजिस्ट जो हैं इस तरीके से आपको एक एजेंसी और जेल और कोर्ट सिस्टम में भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पेनोलॉजी के डिफरेंट गोल हैं, जिसमें कि डिटरेंस भी है, रिहाइबिलेट करना भी है। तो एक तरीका होता है पनिशमेंट, तो वो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट वो एक अलग चीज़ है। अगर किसी को थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे वीडियो चाहिए तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में करके हमें बता सकते हैं कि आपको उस पे अलग डिटेल वीडियो चाहिए कि पांच तरीके की जो है अपनी पनिशमेंट की थ्योरी होती है। खैर, ये इस तरीके का हम समझ सकते हैं कि जो पेनोलॉजी है वो इसका स्कोप कितना वाइडर है। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ पेनोलॉजी का। तो पेनोलॉजी को पेनल साइंस भी कहा जाता है, और पेनोलॉजी को बेसिकली जो है कंसर्न किया जाता है डिवीज़न ऑफ क्रिमिनोलॉजी से, डिवीज़न ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि बात करता है कि एक सोसाइटी जो है उसकी फिलॉसफी और किस तरीके से ये काम करना है। अगेन हम बात करते हैं आगे क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी वर्सेस क्रिमिनोलॉजी के बारे में। तो पेनोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी, इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है पेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पेनोलॉजी बात करता है पनिशमेंट की स्टडी के बारे में, अध्ययन करना, जबकि क्रिमिनोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम के बारे में पढ़ना। पेनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं बेसिकली डिटरेंस पे, रिहाइबिलेट कर दें, पनिशमेंट पे ही उनकी बात होती है, जबकि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन ये रहता है कि पैटर्न क्या है, लोग क्राइम आखिर क्यों करते हैं, उनका फोकस रहता है क्राइम क्यों हो रहा है। जबकि अगर आप थर्ड पॉइंट देखें इसका, स्टडी ऑफ पेनोलॉजी का, तो इसका है स्टडी ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल। इनका बेसिक स्टडी ये रहती है कि क्रिमिनल्स को क्या पनिशमेंट दी जाए उस बात पे। जबकि क्रिमिनोलॉजिस्ट में क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी में ये होता है, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन फोकस ये रहता है, मेन स्टडी ये रहती है कि कॉज ऑफ क्राइम क्या है। जबकि पेनोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका फोकस क्या रहता है कि जो हमारे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो पेनोलॉजिस्ट हैं उनका मेन फोकस ये रहता है कि जो क्रिमिनल हैं, अब उन्होंने जब क्राइम किया है तो क्या सज़ा जो है उनके लिए होनी चाहिए। जबकि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो उस तरीके को देखते हैं, उस तरीके को ढूंढते हैं कि किस तरीके से जो है क्राइम कम हो, साथ के साथ लोग क्राइम क्यों करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लोग क्राइम क्यों करते हैं हम उसे समझेंगे तो क्राइम को कम करने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न पेनोलॉजी की, आज के टाइम का क्या है।
तो मॉडर्न पेनोलॉजी में पहला स्टेप ये है कि मॉडर्न पेनोलॉजी जो बेस्ड है वो है ऑफेंडर को किस तरीके से सुधार करना है। दूसरा, जो ये ऑफेंडर होते हैं, अपराधी होते हैं, प्रिजनर कह लीजिए, उनको इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से सुधार करना है और सोसाइटी में उसकी किस तरीके से पुनः वापसी होनी है। और इसका मेन फोकस ये रहता है कि क्राइम को जो है प्रिवेंट की जाए, चाहे वो सुधार के तरीके से किया जाए या सोसाइटी में उसको कैसे लेके आना है, रेदर देन की व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर कोई आपकी क्यूरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर जो लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट करके अपने क्यूरीज पूछ सकते हैं।